वेलकम बैक टू माय चैनल बायोपोस्ट तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड अपॉन स्पीमैन एंड मैनगोल्ड एक्सपेरिमेंट अब तक हमने जो चारों एक्सपेरिमेंट्स स्पीमैन और मैन ने परफॉर्म किए थे और उस पर से उन्होंने जो कंक्लूजन निकाला था वो सारा कुछ हमने डिस्कस कर लिया वो चारों वीडियोज़ में अगर आपने वो चारों वीडियो जो चार एक्सपेरिमेंट्स हमने डिस्कस कर लिए वो अगर आपने नहीं देखा तो आई विल सजेस्ट कि आप वो चारों वीडियोज पहले देख लीजिए ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत ना हो सो लेट्स गेट स्टार्टेड तो हम पहले एक्सपेरिमेंट नंबर थ्री पे जो क्वेश्चन आए थे वो सारे डिस्कस कर लेंगे बाद में एक्सपेरिमेंट नंबर फोर पे जो क्वेश्चन आए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो डिस्कस करेंगे तो बेसिकली जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं वो बेसिकली एक्सपेरिमेंट नंबर थ्री और एक्सपेरिमेंट नंबर फोर पे ही आए हैं अब तक एक्सपेरिमेंट नंबर वन और टू पे कोई क्वेश्चन आया नहीं है स्टिल वी हैव डिस्कस अबाउट बोथ द एक्सपेरिमेंट तो आप पहले वो चारों एक्सपेरिमेंट अच्छे से समझ लीजिए कि उन चारों एक्सपेरिमेंट में होता क्या है बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए की। सॉल्व कीजिए तो अब हम अब हम थोड़ा ओवर लुक कर लेंगे बाद में एक्सपेरिमेंट नंबर थ्री पर जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे तो एक्सपेरिमेंट थ्री में हमने क्या देखा था तो बेसिकली हमने देखा था कि स्पीमैन ने क्या किया था दो अलग अलग प्रोसीजर परफॉर्म किए उन्होंने पहले क्या किया अर्ली गैस्ट्रूला के टिश्यू ट्रांसप्लांट करवाए तो बेसिकली उन्होंने क्या किया दो अलग अलग गैस्ट्रूला लिए ये एक गैस्टूला और ये सेकेंड गैसटूला तो उन्होंने क्या किया फ़र्स्ट गैसटूला का जो न्यूरल टिश्यू होता है उसे ट्रांसप्लांट किया कहाँ पे सेकेंड गैसटूल्ला की इपिडर्मल रीजन में और उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि वो जो फर्स्ट गैसकूला गैसटूला के जो हमने न्यूरल टिश्यू ट्रांसप्लांट करवाए तो एपिडर्मल रीजन में तो उन्होंने न्यूरल टिश्यू नहीं बनाया उन्होंने क्या बनाया इपिडर्मल टिश्यू बनाया न्यूरल टिश्यू नहीं बनाए उन्होंने क्या बनाया इपिडर्मल टिश्यू बाद में इस पी ने ये कंक्लूड किया कि अर्ली गैस्टूला के जो सेल्स होते हैं या फिर टिश्यूज़ होते हैं वो कैसे होते हैं उनको फेट के ले फेट को लेके डिटरमाइन नहीं होते और कमिटेड भी नहीं होते इसीलिए जब हमने फर्स्ट गैस्टूला का न्यूरल टिश्यू इपीडर्मल टिश्यू के सेकेंड गैस्टूला के इपिडर्मल रीजन में ट्रांसफॉर्म किया तो वहाँ पर न्यूरल टिश्यू नहीं फॉर्म हुआ क्या फॉर्म हुआ इपिडर्मल टिश्यू इसके बाद उन्होंने सेकेंड प्रोसीजर परफॉर्म की अब सेकेंड प्रोसीजर में उन्होंने क्या ट्रांसप्लांट किया और किस गैस्टूला का ट्रांसप्लांटेशन करवाया तो बेसिकली उन्होंने लेट गैस्टूला के जो टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं उनका ट्रांसप्लांटेशन करवाया फिर से उन्होंने दो गैस्टूला लिए फर्स्ट और सेकेंड और जो फर्स्ट गैस्टूला का जो न्यूरल टिश्यू होता है वो न्यूरल टिश्यू कहाँ पर ट्रांसप्लांट किया इपिडर्मल टिश्यू ऑफ अनादर गेस्टूला सेकेंड गैस्टूला के इपिडर्मल टिश्यू में ट्रांसप्लांटेशन करवाया अब उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो सेकेंड गैस्टूला का जो सेकेंड गैस्टूला में जो न्यूरल टिश्यू हमने ट्रांसप्लांटेशन करवाया था वहाँ पे न्यूरल टिश्यू ही फॉर्म हुआ इपिडर्मल टिश्यू नहीं फॉर्म हुआ क्यों अब अब उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि ऐसा क्यों हुआ क्योंकि लेट गैस्टूला के जो टिश्यूज़ होते हैं वो कैसे होते हैं उनको फेट को लेके डिटरमाइन होते हैं और कमिटेड होते हैं उनको फेट को ले इसीलिए जब हमने फर्स्ट गैस्टूला का न्यूरल टिश्यू इपीडर्मल रीजन में ट्रांसफॉर्म किया तब हमें न्यूरल टिश्यू मिला रादर देन इपिडर्मल टिश्यू आई होप आपको समझ में आगे होगा कि अर्ली टेस्ट अर्ली गैस्ट्रोला के टिश्यू में क्या होता है और लेट गैस्ट्रोला के टिश्यू में क्या होता है अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन रिलेटेड टू एक्सपेरिमेंट नंबर थ्री सो लेट्स गेट स्टार्ट सो अच्छे से आप पहले पढ़ लीजिए कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है क्या पूछा गया है और बाद में क्या ऑप्शन दिए गए सो हम पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेते हैं वेन द प्रोस्पेक्टिव न्यूरोस फ्रॉम एन अर्ली गेस्ट्रोला यहाँ पे ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या पूछा गया है अर्ली गेस्टूला यहाँ पे क्या पूछा गया है अर्ली गेस्टूला ऑफ अ फ्रॉग वेयर ट्रांसप्लांटेड इन टू द प्रोस्पेक्ट टू इपिडर्मिस रीजन हमने अभी डिस्कस कर लिया कि जब हमने न्यूरॉन ट्रांसफार्म किया अर्ली गेस्टूला का इपिडर्मल रीजन में तो हमें क्या मिला न्यूरॉन टिश्यू मिले क्या नहीं हमें क्या मिला इपीडर्मल टिश्यूज मिले अब आगे हम पढ़ लेते हैं कि डोनर सेल्स डिफ्रेंशिएटेड इनटू टू इपिडर्मिस हमें यही कंक्लूजन मिला था कि डोनर सेल किस में डिफ्रेंशिएट हुआ हाउ एवर वेन सिमिलर एक्सपेरिमेंट वॉज डन विद द लेट गैसटूला फ्रॉ दस प्रोस्पेक्ट न्यूरोवलप इन टू न्यूरोन्स ओनली हमें यही कंक्लूजन मिला लेट गैस्टूला में जब हमने एक्सपेरिमेंट किया था दिस ऑब्जर्वेशन कुल बी पॉसिबली एक्सप्लेन बाय द फॉलोइंग फेनोमेना अब फर्स्ट उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला द अर्ली गेस्ट्रोला शो कंडीशनल डेवलपमेंट वैर इज द लेट गैस्ट्रोला शोज ऑटोनॉमस डेवलपमेंट हमने जैसे देखा कि अर्ली गैस्ट्रोला अर्ली गैस्ट्रोला में जो डेवलपमेंट होता है वो कैसा होता है कंडीशनल डेवलपमेंट होता है और लेट गैस गैस्ट्रोला में जो डेवलपमेंट होता है वो ऑटोनॉमस डेवलपमेंट होता है अब कंडीशनल मतलब क्या कंडीशनल मतलब ऐसे टिश्यू जिनका फेट डिटरमाइन नहीं होता और या या फिर कमिटेड नहीं होता और ऑटोनॉमस डेवलपमेंट मतलब क्या जिनका फेट डिटरमाइन होता है और उनके फेट को लेके वो कमिटेड होता है तो हमने अर्ली गैस्ट्रोला के सेल्स टिश्यूज कैसे होते हैं उनको फेट को लेके डिटरमाइन भी नहीं होते और कमिटेड में भी नहीं होते इसलिए उसे क्या कहते हैं हम कंडीशनल डेवलपमेंट और लेट गैस्ट्रोला के टिश्यू कैसे होते हैं उनको फेट को लेकर डिटरमाइन होते हैं और कमिटेड होते हैं इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं ऑटोनॉमस डेवलपमेंट इसीलिए फर्स्ट कंडीशन इज़ ट्रू अब कंडीशन उन्होंने क्या बताया कि लेट शो ऑटोनॉमस डेवलपमेंट फॉल्स क्योंकि अर्ली गैस्टूला क्या बताता है कंडीशनल डेवलपमेंट बताता है बताता है ऑटोनॉमस डेवलपमेंट नहीं बताता तो ये बी ऑप्शन क्या हो गया रॉन्ग हो गया अब सी ऑप्शन क्या है द प्रोस्पेक्टिव न्यूरॉन्स फ्रॉम द अर्ली गैस्टूला आर ओनली स्पेसिफाइड वेयर एज दोज फ्रॉम द लेट गैसटूला आर डिटरमेंट दिस इज करेक्ट क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि जो लेट गैस्टूला के जो टिश्यूज होते हैं वो अपने फेट को ले कर कैसे होते हैं डिटरमाइन होते हैं डिटरमाइन होते हैं और कमिटेड होते हैं सो सी ऑप्शन विल भी करेक्ट देन डी ऑप्शन द प्रोस्पेक्टिव न्यूवर फ्रॉम द अर्ली गेस्टूला आर डिटरमाइन वेरस फ्रॉम द लेट गैस्टूला स्पेसिफाइ ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया क्यों क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि जो अर्ली गैस्टूला के टिश्यू होते हैं वो अपने फेट को लेकर डिटरमाइन होते हैं क्या नहीं कमिटेड होते हैं क्या नहीं इसीलिए डी ऑप्शन विल बी रॉन्ग तो करेक्ट ऑप्शन क्या है ए एंड सी सो सेकेंड ऑप्शन विल बी राइट अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं ज़्यादा हार्ड भी नहीं रहते और ये सेक्शन सी सेक्शन सी का क्वेश्चन है आपको चार मार्क्स डायरेक्टली मिल जाते हैं क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कोई भी लॉजिक या फिर कुछ आपको लगाने की जरूरत नहीं है ये आया था डिसंबर टू ये क्वेश्चन था डिसम्बर टू का अब हम डिस्कस करेंगे सेकेंड क्वेश्चन सो सेकेंड क्वेश्चन आया था जून टू थाउजेंड थर्टीन में ये भी एक्सपेरिमेंट नंबर थ्री के रिलेटेड ही था अब हम इसका क्वेश्चन uh, पढ़ लेते हैं विच ऑफ द इन्फरेंस फ्रॉम ए टू डी गिवन बिलो विल यू ड्रॉ फ्रॉम द फॉलोइंग टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म विद द अर्ली एंड लेट गेस्टुला स्टेजेस ऑफ द न्यू एट अब यहाँ पे उन्होंने ऑप्शन दिए गए हैं और करेक्ट ऑप्शन पूछा है कि करेक्ट ऑप्शन कौन से हैं और यहाँ पे उन्होंने एक टेबल दिया गया तो बेसिकली अर्ली गेस्ट्रोला दिया है तो उन्हें उन्होंने क्या दिया है कि न्यूरॉन अगर हमने होस्ट रीजन से अगर हमने न्यूरॉन टिश्यू डोनर टिश्यू के डोनर अगर डोनर इपिडर्मल रीजन में डोनर के ईपीडर्मल रीजन में यहाँ पे कैसे दिया गया है होस्ट जो हमें ट्रांसप्लांटेशन करना है जो रीजन हमें ट्रांसप्लांटेशन करना है होस्ट से डोनर रीजन में और यहाँ पे हमें कंक्लूजन मिलता है कि हमें फ़ाइनली क्या मिलने वाला है तो बेसिकली यहाँ पे दिया गया है कि अर्ली गेस्टूला अर्ली गैस्टूला तो अर्ली गैस्टूला का अगर हमने न्यूरॉन अगर हमने न्यूरॉन जो न्यूरॉन टिश्यूज़ होते हैं अगर हमने ट्रांसप्लांटेशन करवाया कहाँ पे इपीडर्मल टिश्यू में तो हमें क्या मिला इपिडर्मल टिश्यू अगर हमने इपीडर्मल टिश्यू ट्रांसफॉर्म करवाया कहाँ पे न्यूरॉन टिश्यू के रीजन में तो हमें क्या मिला न्यूरॉन लेट गैस्टूला में अब हम लेट गैस्ट्रुला के कंडीशन देख लेते हैं अगर हमने न्यूरोल टिश्यू ट्रांसफॉर्म किया इपिडर्मल टिश्यू में हमें क्या मिला न्यूरॉन अगर हमने इपिडर्मल टिश्यू ट्रांसफॉर्म किया न्यूरोन टिश्यू के रीजन में तो हमें क्या मिला इपिडर्मिस अब जैसे हमें पता है कि हमें ऐसे रिजल्ट्स क्यों मिले क्योंकि लेट गैस्ट्रोला के जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं अपने फेट को लेकर डिटरमाइन होते हैं और कमिटेड होते हैं वाइल द अर्ली गैस्ट्रोला के जो सेल्स होते हैं वो अपने फेट को लेकर कैसे होते हैं डिटरमाइन होते हैं क्या नहीं कमिटेड होते हैं नहीं तो इसीलिए जो अर्ली गैस्ट्रोला के जो टिश्यू अगर हमने ट्रांसप्लांटेशन करवाए तो वो वही टिश्यू बनाएंगे जिस रीजन में हमें ट्रांसफॉर्म किया जैसे हमने न्यूरॉन को ट्रांसफॉर्म किया इपीडर्मल टिश्यू ना उन्होंने बनाया इपिडर्मल टिश्यू इपीडर्मल टिश्यू का अगर हमने न्यूरॉन टिश्यू के रीजन में ट्रांसफॉर्म कर दिया तो वो बन गए न्यूरॉन टिश्यू तो अर्ली गैस्ट्रुला के से जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं डिटरमाइन नहीं होते कमिटेड नहीं होते इसीलिए इस डेवलपमेंट को हम क्या कहते हैं कंडीशनल डेवलपमेंट और लेट गैस्ट्रुला के डेवलपमेंट को हम क्या कहते हैं ऑटोनॉमस डेवलपमेंट ऑटोनॉमस डेवलपमेंट सो अब हम जो आ, सेंटेंस उन्होंने दिए हैं वो पढ़ लेते हैं सेल्स ऑफ अर्ली न्यूर गैस्टूला एक्जिबिट कंडिशनल डेवलपमेंट इज दिस सेंटेंस करेक्ट यस करेंट क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि जो अर्ली गैस्टूला के जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं कंडीशनल होते हैं उनमें कैसा डेवलपमेंट होता है कंडीशनल डेवलपमेंट होता है क्यों क्योंकि उनका जो फेट होता है वो डिटरमाइंट भी नहीं होता और कमिटेड भी नहीं होता सेकेंड जो स्टेटमेंट है वो हम पढ़ लेते हैं सेल्स ऑफ अर्ली गैस्टूला एक्जिबिट ऑटोनॉमस डेवलपमेंट इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट रॉन्ग क्योंकि अर्ली गैस्ट्रोला के जो टिश्यूज होते हैं वो कैसे होते हैं कंडीशनल होते हैं ऑटोनॉमस नहीं होते थर्ड ऑप्शन सेल्स ऑफ लेट गैस्ट्रोला एग्जिबिट कंडीशनल डेवलपमेंट इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट नो क्योंकि जो अर्ली लेट गैस्ट्रोला के जो टिश्यूज़ होते हैं वो कैसे होते हैं वो कैसे डेवलपमेंट शो करते हैं वो ऑटोनॉमस डेवलपमेंट शो करते हैं क्यु? क्यों क्योंकि उनका जो फेट होता है वो डिटर्माइन होता है और वो अपने फेट को लेके कमिटेड होता है इसीलिए सी ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया अब डी ऑप्शन सेल्स ऑफ लेट गैस्टूला एग्जिबिट ऑटोनॉमस डेवलपमेंट इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट यस दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए एंड डी सो ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट सो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया फर्स्ट ए एंड डी सो ये क्वेश्चन आया था जून टू थाउजेंड थर्टीन में अब जैसे आपने देखा कि टू थाउजेंड इलेवन का जो हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिया और ये जो क्वेश्चन डिस्कस किया जून टू थाउजेंड थर्टी का सिमिलर ही था अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री सो सेल्स फ्रॉम अर्ली फ्रॉग ब्लास्टुला ब्लास्टुला अब हमने कहाँ से लिया अर्ली ये दो वर्ड्स बहुत ध्यान में रखना अर्ली और लेट सो सेल्स फ्रॉम अर्ली फ्रॉग ब्लास्टुला वेर रिमूव फ्रॉम द एनिमल पोल एंड यूज टू रिप्लेस सेल्स फॉर द वेजिटेबल पोल ऑफ द ब्लास्टुला द फॉलोइंग इवेंट्स में बी एक्सपेक्टेड अब हमने अर्ली ब्लास्टुला के सेल्स कहाँ पे ट्रांसफॉर्म किए एनिमल पोल से वेजिटेबल पोल में यहाँ पे ध्यान नहीं रखना अर्ली ब्रेस्टूला अब अर्ली ब्रेस्टूला के सेल ट्रांसफॉर्म किए एनिमल पोल टू वेजिटल पोल तो एनिमल पोल बनाएंगे क्या नहीं वो क्या बनाएंगे वेजिटल पोल वेजिटल पोल बनाएंगे अब हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं बाद में हम डिस्कस कर लेंगे से करेक्ट है कौन से रॉन्ग है सो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है ट्रांसप्लांटेड सेल्स पोल डेवलप नॉर्मली एज पार्ट ऑफ द सेल्स ऑफ द वेजिटल पोल इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट करफकोर्स करेक्ट है क्यों क्योंकि फॉर एग्जाम्पल ये अर्ली गैस्ट्रोला है अब अर्ली गैस्टूला के जो एनिमल पोल के सेल्स है अर्ली गेस्टूला के एनिमल पोल के सेल्स हमने कहां पे किया? कहां पे ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म किया करवाया वेजिटल पोल में पे ट्रांसफॉर्म किया वेजिटल पोल में जो एनिमल पोल के टिश्यूज है वो कहां पे ट्रांसफॉर्म किया वेजिटल पोल में लेकिन हमने किस अर्ली की अर्ली बैस्टुला के किए कि लेट बैस्टुला के किए हमने किए अर्ली बैस्टुला के अब अर्ली बैस्टुला के हमने जैसे पढ़ा कि अर्ली बैस्टुला के अगर आप टिश्यू ट्रांसफॉर्म करेंगे उनका फेड डिटरमाइन भी नहीं रहता कमिटेड भी नहीं रहता और उनका डेवलपमेंट कैसा होता है कंडीशनल इसलिए जब भी हम उन सेल्स को जिस रीजन में डाल दें उस रीजन का वो फेट बना लेंगे सो so, अगर हमने ट्रांसप्लांटेड सेल वो डेवलप नॉर्मली एज अ पार्ट ऑफ द वेजीटल पोल हमने ट्रांसप्लांटेशन कहा करवाया पोल में तो हमें सेंटेंस फर्स्ट इज करेक्ट दैट ट्रांसप्लांटेड ट्रांसप्लांटेटेड सेल्स वुल डेवलप नॉर्मली एज पार्ट ऑफ द सेल्स ऑफ द वेजिटल पुल अब सेंटेंस टू क्या कहता है ट्रांसप्लांटेड सेल्स वुल डेवलप एज सेल्स ऑफ द एनिमल पोल ऑफ द एडल्ट ऑन द वेजीटल पोल ये सेंटेंस ध्यान से पढ़िए कि अगर हमने एडल्ट यहाँ पे ये वर्ड एडल्ट के अगर हमने एनिमल पोल के जो सेल्स हैं एडल्ट के एनिमल पोल के सेल्स अगर हमने वेजिटल पोल में डा डाल दिए तो वो क्या डेवलप करेगा वेजी एनिमल पोल डेवलप करेगा फॉर एग्जाम्पल कि ये एक है और ये एक ब्लास्टुला है ये एक ब्लास्टूला है ये एक ब्लास्टुला है फर्स्ट ब्लास्टुला एंड सेकेंड ब्लास्टोला फॉर एग्ज़ाम्पल हमने जो एनिमल पोल के जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं लेकिन किसके एडल्ट के एडल्ट के अगर हमने एडल्ट मतलब लेट हो गया अर्ली अर्ली ब्लास्टुला है क्या नहीं लेट बेस्टुला अगर हमने एनिमल पोल के लेट बेस्टूला के अगर सेल्स हमने ट्रांसप्लांट करवाए कहाँ पे वेजिटल पोल में वो क्या बनाएगा एनिमल पोल ही बनाएगा वेजिटल पोल नहीं बनाएगा क्योंकि ये हमने लेट ब्लास्टोला के सेल्स लिए और लेट ब्लास्टुला के सेल्स कैसे होते हैं डिटरमाइन होते हैं और कमिटेड होते हैं उनको फेट उनके फेट को लेके सो सेकेंड ऑप्शन जो सेंटेंस भी है वो भी करेक्ट है अब थर्ड सेंटेंस क्या है रीजन ऑफ द एनिमल पोल फ्रॉम वेयर द सेल्स वेयर रिमूव विल बी मिसिंग इन द एडल्ट अब ये सेंटेंस करेक्ट होगा या सही होगा अब फॉर एग्जाम्पल हमने जैसे देखा कि जो अर्ली ग्लास्टोला के जो सेल्स होते हैं अर्ली वेस्टूला के जो या फिर बेस्टूला के जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं उनको ड फेट को रेकते डिटरमाइन है? होते हैं क्या नहीं कमिटेड होते हैं क्या नहीं तो बेसिकली क्या होता है जो अ, अ, अगर हमने अर्ली वेस्टूला के सेल्स हमने निकाल भी लिए उस रीजन से अगर हमने फॉर एग्जांपल इस रीजन से हमने अर्ली वेस्टूला के सेल्स हमने निकाल भी लिए और किसी अ, अनादर ब्लास्टूला में ट्रांसप्लांट भी कर दिए तो जो इस अर्ली ब्लास्टुला के जो रीज़ जो सेल्स हमने ट्रांसप्लांट करवाए उस रीजन के जो सराउंडिंग जो सेल्स होंगे उस रीजन के जो सराउंडिंग सेल्स होंगे वो क्या करेंगे क्योंकि ये अर्ली ब्लास्टुला है अर्ली ब्लास्टुला है तो जो, जो सराउंडिंग सेल्स क्या करेंगे जो रीजन हमने ट्रांसप्लांट करवाया उस रीजन को भी बनाएंगे जो रीजन हमने ट्रांसप्लांट करवाया वो भी रीजन बनाएंगे क्यों क्योंकि उनका जो फेट होता है वो डिटरमाइंड नहीं रहता कमिटेड नहीं होते तो वो जो मिसिंग पार्ट जो मिसिंग पार्ट है वो भी वो बना लेते है। तो जो सी ऑप्शन है रीजन ऑफ द एनिमल पोल फ्रॉम वेयर द सेल्स वेयर रिमूव विल बी मिसिंग इन द एडल्ट इज दिस सेंटेंस करेक्ट नो दिस इज द सेंटेंस इज रॉन्ग सो फ ए ऑप्शन करेक्ट था बी ऑप्शन करेक्ट था सी ऑप्शन रॉन्ग था अब डी ऑप्शन रिमेनिंग सेल इन द एनिमल पोल वुल कंपनसेट फॉर द सेल्स दैट वेयर रिमूव ये ऑप्शन करेक्ट है अभी हमने देखा जो सराउंडिंग सेल्स है वो क्या करेंगे जो रीजन हमने रिमूव किया या फिर ट्रांसप्लांट करवाया उस रीजन के जो सेल्स है वो सेल्स वो बनाएंगे कंपेन्से करेंगे कि वो एनिमल पोल के सेल जो हमने रिमूव किए वो सेल्स वो बना सके सो so, लेकिन ये कौन से कंडीशन में अर्ली ब्लास्टूला या फिर गैस्टूला का कंडीशन है क्यूं? क्यों क्योंकि उसमें डेवलपमेंट कैसी होती है कंडीशनल डेवलपमेंट कंडीशनल डेवलपमेंट सो ऑप्शन सेकेंड विल बी करेक्ट क्योंकि वो ए पी डी ये तीनों सेंटेंस कैसे हैं करेक्ट सेंटेंस होते हैं अगर आपको कंडीशनल और ऑटोनॉमस डेवलपमेंट पे अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आ, कमेंट सेक्शन में प्लीज कमेंट कर दीजिएगा मैं आपके लिए वो बना दूंगी कंडीशनल और ऑटोनॉमस डेवलपमेंट क्या होता है और उसके भी क्वेश्चन हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे सो so, उसके बाद हम ये हो गए जो तीन क्वेश्चन हमने अब तक डिस्कस कर लिए ये थे रिगार्डिंग एक्सपेरिमेंट नंबर थ्री के रिलेटेड थे अब हम डिस्कस uh, करेंगे एक्सपेरिमेंट नंबर फोर के रिलेटेड जो क्वेश्चन आए थे वो हम डिस्कस कर लेते हैं सो क्वेश्चन नंबर फोर पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि इन केस एम्फीबियंस इन केस ऑफ एम्फीबियंस द दॉर्सल सेल्स एंड देर डेरिवेटिव आर कॉल्ड एज स्पीम एंड मैनगोल ऑर्गेनाइजर ये हमने एक्सपेरिमेंट फोर के वीडियो में डिस्कस कर लिया है अगर आपने एक्सपेरिमेंट नंबर फोर का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज वो देखिए ताकि आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो कोई दिक्कत ना हो सो बेसिकली इन केस ऑफ एम्फीबियंस द सेल्स एंड देर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड एज पीमे एंड मैन ऑर्गेनाइजर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजर वेयर मेड अब हम एक एक सेंटेंस पढ़ेंगे और कौन सा सेंटेंस करेक्ट है वो टिक करते जाएंगे बाद में हम कौन सा सेंटेंस करेक्ट है वो हमारा फाइनल आंसर होगा सो बेसिकली स्टेटमेंट ए क्या कहता है कि इट इंड्यूसेज ऑर्गेनाइजर जो होता है इट इंड्यूसेज द होस्ट वेंट्रल टिश्यू टू चेंज देयर फेट टू फॉर्म न्यूरल ट्यूब एंड डोरसल मिजोरम टिश्यू अब ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गया कि हमने जो क, आ, हमने एक्सपेरिमेंट फोर डिस्कस किया था उसमें हमने देखा था कि जो डॉ जो फर्स्ट गैसटूला होता है हमने दो गैसू लिए थे एक और आ, फर्स्ट और सेकंड अब जो फर्स्ट गेस्टूला होता है उसका जो ब्लास्टोपोर डोरसल लि, लिप ऑफ ब्लास्टोपोर है उस उसे हमने ट्रांसप्लांट करवाया कहाँ पे इपिडर्मल रीजन ऑफ सेकंड गेस्टूला और इपिडर्मल रीजन कहाँ होता है वेंट्रल साइड में तो हमने वेंट्रल साइड में डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपुर ट्रांसप्लांट कर दिया और जब हमने ब्लास्टोपोर लिप वेंट्रल साइड में ट्रांसप्लांट कर दिया वहाँ पे ब्लास्टोपोर लिप ने क्या बनाया नोटोकॉड uh, बनाया डोरसल मिजोडम बनाया तो बेसिकली फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है इट इंड्यूस द होस्ट वेंट्रल टिश्यू टू चेंज देयर फेट टू फॉर्म न्यूरल ट्यूब एंड डॉर्सल मिजोडम टिश्यू येस फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट अब सेकेंड स्टेटमेंट क्या है इट कैन नॉट ऑर्गेनाइज द होस्ट एंड डोनर टिश्यू इन टू अर सेकेंडरी एम्ब्रियो अब ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि रॉन्ग है अब हम जैसे हमने जैसे एक्सपेरिमेंट नंबर फोर में देखा था कि जब हमने ब्लास्टोपोर लिप ट्रांसप्लांट करवाया वेंट्रल टिश्यू ऑफ वेंट्रल साइड ऑफ इपिडर्मल रीजन में वेंट्रल साइड ऑफ इपिडर्मल रीजन में हमने जब ब्लास्टोपोर लिप ट्रांसप्लांट करवाया तो उस ब्लास्टोपोर लिप लिप ने क्या किया जो होस्ट के टिश्यू थे वो वो भी लिए और जो डोनर के टिश्यू थे वो भी दोनों के टिश्यू मिला के उन्होंने एक सेकेंडरी एम्ब्रियो बनाया था जैसे आप यहाँ देख सकते कि उन्होंने एक सेकेंडरी एम्ब्रियो भी बनाया था तो ऑप्शन बी विल बी रोंग क्योंकि वो दोनों की ही होस्ट और डोनर डोनर टिश्यू दोनों की ही टिश्यू यूज करके सेकेंडरी एम्ब्रियो बनाता है इट डज़ नॉट हैव द एबिलिटी टू सेल्फ डिफरेंशिएट इन् टू डारोर्सल मिजोडम अब हमने फर्स्ट स्टेटमेंट uh, में ही पढ़ा कि ऑर्गेनाइजर क्या बनाता है डॉर्सल मिजोडम अब यहाँ पर करें कि इट हैज़ नॉट इट इज़ नॉट हैविंग एबिलिटी टू सेल्फ डिफरेंशिएट इन टू डॉर्सल मिजोडम सो सी ऑप्शन भी क्या हो गया रॉन्ग हो गया सो डी ऑप्शन क्या है डी स्टेटमेंट क्या है इट हैज़ द एबिलिटी टू इनिशिएट द मूवमेंट ऑफ गैस्ट्रुलेशन अब ऑर्गेनाइजर का फंक्शन ही यही है कि ऑर्गेनाइजर का फंक्शन ही यही है कि वो गैस्ट्रुलेशन uh, को इंड्यूस कर सके सो स्टेटमेंट डी इज करेक्ट अब स्टेटमेंट ई क्या कहता है बोथ बीटा कैटेनिन एंड कॉर्डिंग आर प्रोड्यूस बाय द ऑर्गेनाइजर अब ये स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि जो ऑर्गेनाइजर होता है वो क्या बनाता है जो फैक्टर वो प्रोड्यूस करता है वो कौन सा होता है नॉग फैक्टर वो प्रोड्यूस करता है हाँ, अब तक हमने ये डिस्कस नहीं किया कि कौन से कौन से फैक्टर्स ऑर्गेनाइजर प्रोड्यूस करता है तो हम ये जो मोलिकुलर मैकेनिज्म है ऑफ स्पीमैन एंड और मैनगोल ऑर्गेनाइजर वो हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे उस पर जो मोलिकुलर मेकैनिज्म ऑफ ऑर्गेनाइजर है उस पर जो क्वेश्चन आए वो भी हम डिस्कस कर लेंगे सो हियर ऑप्शन ए एंड डी आर करेक्ट सो ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट सो so, ये क्वेश्चन था दिसंबर 2016 में ये क्वेश्चन आया था रिगार्डिंग द एक्सपेरिमेंट नंबर फोर ऑर्गेनाइज़र के रिलेटेड तो बेसिकली यहाँ पे जो आपको ऑर्गेनाइजर के जो फंक्शंस होते हैं या फिर फीचर्स होते हैं वो आपको ध्यान में रखना है तो एक बार हम फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजर एक बार डिस्कस कर लेते हैं तो बेसिकली जो ऑर्गेनाइजर होता है वो ऑर्गेनाइजर मतलब क्या डौर, जो डोर्सल सेल्स होते हैं डॉरसल सेल्स जो होते हैं या डोरसल सेल्स और उसके डेरिवेटिव्स मतलब जो डॉरसल सेल्स क्या बनाता है नोटोकॉर्ड बनाता है डॉर्सल मिजोरम बनाता है न्यूरल ट्यूब बनाता है इन सारे जो सेल्स है इन्हें हम क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजर अब ऑर्गेनाइजर क्या करता है ऑर्गेनाइजर बेसिकली इंड्यूस करता है उनके जो सराउंडिंग सेल्स होते हैं फॉर एग्जाम्पल ये ऑर्गेनाइजर है और इनके जो सराउंडिंग सेल्स होते हैं तो ये ऑर्गेनाइजर क्या करता है इन सराउंडिंग सेल्स को इंड्यूस करता है इन सराउंडिंग सेल्स को इंड्यूस करता है ताकि वो न्यूरल ट्यूब डॉर्सल मिजोडम या फिर नोटोकॉर बना सके सो so, ये था फर्स्ट फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजर अब अगर आप ऑर्गेनाइजर को किसी भी रीजन में डाल दें चाहे आप विंट्रल साइड में डाल दें चाहे आप इपिडर्मल टिश्यू में डाल दें ऑर्गेनाइजर खुद का ही फेड बनाएगा uh, किसी भी रीजन में डाल दें ऑर्गेनाइजर खुद का ही फेड बनाएगा ऑर्गेनाइजर का जो फेट होता है वो कैसा होता है डिटरमाइन और कमिटेड होता है उनको फेट को लेके इसीलिए अगर आपको आपने ऑर्गेनाइज़र को किसी भी रीजन में डाल दे वो उस रीजन का फेट नहीं बनाएगा वो खुद का ही फेट कंटिन्यू करेगा अब ऑर्गेनाइजर के ये दो फ़ीचर्स हो गए एक तो वो डिटरमाइन होते हैं और कमिटेड होते हैं उनको फेट को लेकर और दूसरा वो सराउंडिंग टिशो को इंड्यूस कर इंड्यूस करते हैं कि ताकि वो नोटोकॉर न्यूरल ट्यूब और डॉर्सम्यूजोडम बना सके अब थर्ड फ़ीचर क्या है ऑर्गेनाइज़र का कि जो ऑर्गेनाइजर प्रेजेंट होता है वो बेसिकली गैस्ट्रुलेशन को इनिशिएट करते हैं किसी इनिशिएट करते हैं गैस्ट्रुलेशन को इनिशिएट करते हैं गैस्ट्रुलेशन होने के बाद एम्ब्रियोजेनेसिस और उसके बाद वो एक फाइनल नॉर्मल एम्ब्रियो बनाते हैं उसके बाद जो फोर्थ फीचर है ऑर्गेनाइजर का वो कि ऑर्गेनाइजर जो प्रेजेंट होता है वो होस्ट और डोनर टिश्यू दोनों के ही टिश्यू यूज़ करके सेकेंडरी एम्ब्रियो बनाता है अगर उस अगर हमने उस ऑर्गेनाइजर को ट्रांसप्लांटेशन करवाया तो तो ये थे चार फीचर्स रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजर अब आई होप आपको समझ में आया आ गया होगा कि एक्सपेरिमेंट के रिलेटेड कैसे कैसे, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आने वाले वीडियो में हम देखने वाले हैं मोलिकुलर मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनाइज़र कि कौन से कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं इस मेकेनिज्म को कैसे सेकेंडरी और एम्ब्रो बनाता है वो सारा कुछ हम मोलिकुलर मेकेनिज्म आने वाले वीडियोज में देखेंगे सो तो आई होप आपको क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त कोई दिक्कत नहीं हो क्योंकि एक्सपेरिमेंट नंबर थ्री और एक्सपेरिमेंट नंबर फोर पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कोई घुमा फिरा के क्वेश्चंस नहीं आते सो थैंक यू